तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील से। आपने विधायक को सड़क बनवाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या किसी विधायक को बनी बनाई सड़क उखाड़ते हुए देखा है? बलिया के देरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र सिंह ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी सड़क को जेसीबी से उखड़वा दी। ये सड़क खोदी जा रही है और इसको हटा करके पुनः खड़ी। जेसीबी पूरी रफ्तार से अपना काम कर रही है। सड़क पर विधायक जी खड़े हैं, उनके गनर खड़े हैं, इलाके के लोग भी सड़क पर एक्शन का पूरा मजा ले रहे हैं। और इसको हटा करके ये तस्वीरें यूपी के बलिया जिले के लालगंज इलाके की है और यहाँ सड़क बनाई नहीं उखाड़ी जा रही है, वो भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च कर बनी सड़क। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें दिख रहे ये जनाब है बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। वही सुरेंद्र सिंह जो हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। इनके निर्देश पर जेसीबी की मदद से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर बनाई गई सड़क को तहस नहस किया जा रहा है। जिले के बड़े अफसर चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। जेसीबी पूरी रफ्तार से सरकारी पैसे से बनाई गई सड़क को उखाड़ रही है। दरअसल विधायक सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि सड़क बनाने में ठेकेदार ने मोरंग की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया। मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की धांधली नहीं चलने वाली है। इस तरह की धांधली करने वाला, मोरंग के जगह पर मिट्टी डालने वाला ठेकेदार को यही जो है झेलना पड़ेगा। मैं पूरा सड़क उखड़वा दूंगा। विधायक सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए उन्होंने बनी बनाई सड़क उखड़वा दी। सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी मानकों से खिलवाड़ हुआ तो बुलडोजर से वो सड़क उखड़वा देंगे। संभवतः ये पहला मौका है जब किसी विधायक ने अपने इलाके में बनी सड़क को बनवाने की जगह बनी बनाई सड़क उखड़वा दी हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सूबे में सरकार बीजेपी की है, विधायक जी सड़क निर्माण में घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायत लखनऊ तक कर सकते थे, भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कर सकते थे, लेकिन विधायक सुरेंद्र सिंह ने हमेशा की तरह इस बार भी सरेआम बनी बनाई सड़क खुदवा कर चर्चा में आ गए। बलिया से अनिल अकेला के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।